तो दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम खेत का नाप निकालना सीखेंगे। दोस्तों अगर आपका खेत वर्गाकार या आयताकार हो उसका नाप आप बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आज की वीडियो में हम समलंब चतुर्भुज के आकार का जो खेत है उसका क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। यहाँ पर जो खेत आपको दिखाई दे रहा है इस खेत की सभी भुजाएं अलग अलग लेंथ की है। ये 45 फीट की है, ये 43 फीट की है, ये 30 फीट की और ये 40 फीट की। दोस्तों इस प्रकार के खेत का क्षेत्रफल निकालना बड़ा ही आसान है। आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और आप इसे अच्छे से जान जाएंगे। दोस्तों इस प्रकार के खेत का क्षेत्रफल निकालने के दो तरीके हैं। पहला वो तरीका है जो ज्यादातर वीडियोस में बताया गया है, जिससे आपके पास 100% सही क्षेत्रफल नहीं आता। दूसरा वो तरीका है जिससे आपके पास 100% सही क्षेत्रफल आएगा। हम दोनों तरीके से इस खेत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों तरीके से जो क्षेत्रफल आएगा उसको कंपेयर भी करेंगे। तो चलिए पहले तरीके से निकाल लेते हैं। पहला तरीका क्या कहता है, आमने सामने की भुजाओं को जोड़ेंगे, दो से भाग करेंगे। आमने सामने की भुजाओं को जोड़ेंगे, दो से भाग करेंगे और दोनों को गुना कर देंगे तो उससे हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहले तरीके से कैसे करेंगे। हमें क्या करना होगा, आमने सामने की भुजाओं को जोड़ना होगा। 40 + 45/2, ठीक है, गुना में आमने सामने की भुजाओं को जोड़ना होगा। अगेन 43 + 30/2। अब इन दोनों को सोल्व करके जो आएगा उसको हमें गुना कर देना है, ठीक है। 40 और 45 कितना बनेगा, 85/2 गुना ये कितना बनेगा, 3/7/2, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं। 85 को 2 से भाग देंगे, हमारे पास आ जाएगा 42.5 और 73 को 2 से भाग देंगे, हमारे पास आ जाएगा 36.5, ठीक है। अब इन दोनों को गुना करके हमारे पास आ जाएगा 1551.25 स्क्वेयर फीट। तो ये आपका क्षेत्रफल आया, ठीक है। इन दोनों को आप कैलकुलेटर की मदद से गुना कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहले तरीके से हमारे पास क्षेत्रफल कितना आया, 1551.25 स्क्वेयर फीट। दोस्तों इस प्रकार से जो खेत का क्षेत्रफल निकाला जाता है वो 100% सही नहीं होता, तो इसीलिए हम दूसरे तरीके से भी खेत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। दोस्तों दूसरे तरीके से इस खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, समलंब चतुर्भुज के आकार के खेत को दो भागों में बांटना होगा, यानी हम डी बिंदु को बी से मिलाएंगे। तो चलिए मिला देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर डी बिंदु को बी से मिलाने के बाद ये समलंब चतुर्भुज आकार का जो खेत है वो दो त्रिभुजों में बंट गया है। पहली त्रिभुज है ए बी डी, दूसरी त्रिभुज है बी डी सी। इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा उनका जोड़ करके ही पूरे खेत का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहली त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले हम डीबी की लंबाई क्या होगी वो जान लेते हैं। अब डीबी की लंबाई मापने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि ये हमारे पास ए बी डी त्रिभुज क्या बनी है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम इसे माप लेते हैं, ठीक है। तो चलिए पहली त्रिभुज लिख लेते हैं यहां पर, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। ए बी डी त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसमें क्या है, पाइथागोरस का प्रमेय हम लगाएंगे यहां पर, ये क्या कहता है, इस भुजा का स्केयर इस भुजा का स्केयर बराबर होगा डीबी के स्केयर के, ठीक है, इस भुजा के स्केयर के। तो ए बी का स्केयर प्लस ए डी का स्केयर बराबर किसके होगा, बी डी के स्केयर, ठीक है, बी डी के स्केयर के, ठीक है दोस्तों। अब ए बी का स्केयर यानी 40 का स्केयर प्लस 30 का स्केयर यानी ए डी का स्केयर बराबर बी डी का स्केयर, ठीक है। अब इसको सोल्व करके हमारे पास क्या आएगा, 1600 + 900 बी डी का स्केयर, ये बन जाएगा 2500 बी डी का स्केयर। और बी डी यहां से क्या निकल के आएगा, वर्गमूल में 2500, जो आ जाएगा हमारे पास 50 फीट। अब 2500 का वर्गमूल क्या होता है, 50 फीट, ठीक है। तो दोस्तों आप इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं। अगर आपको इस तरीके का नहीं पता तो आप क्या करेंगे, डी बिंदु पे खड़े होकर
फीते की मदद से इसको यहां तक बी तक चलकर माप सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास डी बी कितना निकल के आया, 50 फीट। ठीक है, अब ये बड़ा ही आसान हो गया। पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो पहले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज ए बी और डी, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे और दो से भाग दे देंगे। ठीक है, तो जोड़ते हैं तीनों भुजाओं को, उसको हम एस मान लेते हैं जो जोड़ करके आएगा। ठीक है, तो जोड़ते हैं 30 + 40 + 50/2। अब ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास 120/2 और ये काट के आ जाएगा आपके पास 60। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल क्या बनेगा, जो ये यहां पर जोड़कर आया, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे और इसमें से पहली भुजा को घटा देंगे। ठीक है, तो 60 में से पहली भुजा घट गई, हमारे पास कितना जाएगा 30, 60 में से 30 गया 30। ठीक है, अब क्या करेंगे, 60 में से दूसरी भुजा को घटाएंगे, 60 में से 40 गया, हमारे पास कितना आ गया 20। अब लास्ट में क्या करेंगे, 60 में से अंतिम भुजा को घटाएंगे, ये कितनी है 50, 60 में से 50 गया, हमारे पास कितना आ गया 10, और इस सब का क्या कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे। ठीक है दोस्तों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस एस को लिखेंगे जो कि 60 है, फिर इसमें से पहली भुजा घटाएंगे, इसको लिख देंगे, दूसरी भुजा घटाएंगे, उसको लिख देंगे, फिर तीसरी साइड को घटाएंगे, उसको लिख देंगे, इन चारों की गुना करके वर्गमूल निकाल लेंगे तो हमारे पास पहली त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इन सबको गुना करके हमारे पास क्या आएगा, 6 × 3 = 18, 18 × 2 = 36, ये आ जाएगा हमारे पास 36 × 1 = 2 × 3 = 4, 4 = 0। ठीक है, और इसका वर्गमूल हम निकाल के, वर्गमूल निकाल के क्या आएगा हमारे पास, 600 स्क्वेयर फीट। ठीक है दोस्तों, तो त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल क्या आया हमारे पास, 600 स्क्वेयर फीट। ठीक है, अब एक त्रिभुज का तो क्षेत्रफल निकल गया, अब हम दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर दूसरी त्रिभुज क्या है हमारे पास, बीडीसी, त्रिभुज बीडीसी का क्षेत्रफल दोस्तों उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने पहली त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था। ठीक है, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, उसको हम एस के बराबर रख लेंगे, 50 + 45 + 43, ठीक है दोस्तों, 2/2। अब इन तीनों को जोड़कर हमारे पास क्या आ जाएगा, 8, 9 और 4 = 13, ये आ जाएगा 138/2। इसको काट देंगे, 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18, तो ये आ जाएगा 69, 69। ठीक है दोस्तों, अब सेम तरीका फॉलो करेंगे, त्रिभुज बी डी सी क्षेत्रफल क्या करेंगे, हम 69 को लिख देंगे, जो एस था उसको लिख दिया, 69 यानी 69 को लिखने के बाद क्या करेंगे, इसमें से पहली भुजा घटाएंगे, तो 69 में से 50 गया, हमारे पास कितना आ गया 19, 69 में से 45 गया, हमारे पास कितना आ गया 24, 69 में से 43 गया, हमारे पास कितना आ गया 26। ठीक है, क्या किया हमने यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले एस को लिखा, फिर उसमें से एक एक भुजा को घटा के जो जो आया उसको लिख दिया, पहली भुजा को घटाया 19 आ गया, दूसरी भुजा को घटाया 24 आ गया, तीसरी भुजा को घटाया 26 आ गया। ठीक है, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, अब इन चारों को गुना करके हमारे पास क्या आएगा, 8 × 1 = 8, 0 = 6, 4। ठीक है, आप कैलकुलेटर की मदद से ये गुना कर सकते हैं और वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। इसका वर्गमूल निकाल के हमारे पास आएगा 904.4689, ठीक है, स्क्वेयर फीट। तो यहां पर त्रिभुज बीडीसी का क्षेत्रफल क्या है आपके पास, 904.4689 स्क्वेयर फीट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ देना है। अब दोस्तों खेत का क्षेत्रफल यानी चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या आएगा, त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल क्या आया था हमारे पास, ये आया था 600 स्क्वेयर फीट। ठीक है, लिख लेते हैं 600 स्क्वेयर फीट। ठीक है,
और त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल क्या आया था, 904.4689। लिख लेते हैं इसको भी। अब दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा। जोड़ते हैं दोनों को, 4689 तो ऐसे रहेगा, 904 जमा में 600 कितना बनेगा, 1504। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास क्या क्षेत्रफल आया, 1504.4689 स्क्वेयर फीट। ठीक है दोस्तों, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देखें, आपका वो डाउट अवश्य ही क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम कंपेयर करते हैं कि पहले जो तरीका था उससे क्या क्षेत्रफल आया था और दूसरे तरीके से क्या क्षेत्रफल आया। ठीक है, तो पहले तरीके से क्षेत्रफल क्या आया था हमारे पास, ये आया था 1551.25 स्क्वेयर फीट। ठीक है, और दूसरे तरीके से क्या आया हमारे पास, 1504.4689 स्क्वेयर फीट। तो दोनों क्षेत्रफल में लगभग 47 का डिफरेंस है। ठीक है, जो ये दूसरे तरीके से क्षेत्रफल हमने निकाला वो सही तरीका है, उससे 100% क्षेत्रफल निकलता है। तो दोस्तों आपको यही तरीका फॉलो करना है, ये वाला तरीका अधिकतर वीडियोस में बताया गया है, इसको आपको फॉलो नहीं करना है। दूसरे वाले तरीके को अगर आप फॉलो करोगे तो आपके पास 100% सही क्षेत्रफल आएगा। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देखें, फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।